बाबर ने T20 क्रिकेट में मचाई खलबली, अब ऐसा धमाकेदार रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंकाया है। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में बाबर आजम अपनी बल्लेबाजी से धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास में अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जून को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में बाबर जिस अंदाज में T20 में बल्लेबाजी कर रहे हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए खुशखबरी की तरह है। बाबर आजम मस्ट बी अ प्राउड मैन, क्यों क्या गया? क्या बाबर आजम को जो निकाला गया वो बाबर आजम के लिए खास हो गया और बाबर आजम अब खुलकर उसका बदला ले रहे हैं दायरे में कि वो क्या करने वाले। बाबर आजम जो है वो इस साल जबरदस्त स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, हर साल उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल खड़े होते थे। अरे भाई, जिस खिलाड़ी की तारीफ खुद विराट कोहली करते हो, जिस खिलाड़ी की तारीफ जो है खुद बीबीएन रिचर्ड्स करते हो। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में कोहली के सामने विराट चैलेंज खड़ा कर दिया। बाबर ने T20 क्रिकेट में मचाई खलबली, अब ऐसा धमाकेदार रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंकाया है। रिकॉर्ड बनाते ही बाबर आजम ने रमजान की मुबारकबाद देते हुए गाजा पीड़ितों को किया याद, कहा दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में बाबर आजम अपनी बल्लेबाजी से धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। PSL 2024 में बाबर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर ने अब तक पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में 9 पारियों में कुल 498 रन बनाने में कामयाबी हासिल की है। इस दौरान बाबर ने अब तक 1 शतक और 5 अर्धशतक भी जड़े हैं। आपको बता दें कि T20 क्रिकेट में बाबर जबरदस्त फॉर्म में है और इस समय साल 2024 में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज भी हैं। अब तक बाबर ने 2024 में T20 क्रिकेट में कुल 20 मैच खेले और 20 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 962 रन बनाने का कमाल कर दिखाया है। 38 रन बनाते ही बाबर 1000 रन इस साल T20 क्रिकेट में पूरा कर लेंगे। साल 2024 में बाबर ने अब तक 1 शतक और 10 अर्धशतकीय पारी खेली है। इस मामले में दूसरे नंबर पर रासी वेन डे डुसेन है, जिन्होंने साल 2024 में T20 में कुल 18 पारियों में अब तक 734 रन बनाने में कामयाबी पाई है। पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास में बाबर आजम इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम दो टीमों की ओर से खेलते हुए 1000 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। बाबर ने कराची किंग्स की ओर से खेलते हुए PSL में कुल 2398 रन बनाए थे। वहीं पेशावर जालमी की ओर से 1020 रन अब तक बना चुके हैं। बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास में अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ऐसा कर बाबर ने फखर जमान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फखर जमान ने PSL में कुल 2525 रन बनाए हैं। बाबर के नाम 3433 रन दर्ज हो चुके हैं। जून में T20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है। ऐसे में बाबर जिस अंदाज में T20 में बल्लेबाजी कर रहे हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए खुशखबरी की तरह है। T20 वर्ल्ड कप का आगाज जून में होना है। इस बार T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम से फैंस को काफी उम्मीद है। साल 2024 के आगाज से ही बाबर आजम के बल्ले ने बड़े रन उगले, खासकर T20 फॉर्मेट के अंदर 2024 के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बाबर आजम है। इसके अलावा PSL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बाबर आजम। अब तक 2024 के अंदर बाबर आजम ने कुल 20 मैच खेले हैं और इन 20 मैच खेले के अंदर भी इन्होंने 962 रन बनाए, जो कि बहुत अच्छा रेट बनता है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट में बहुत बड़े प्लेयर तो थे ही, लेकिन 2024 के अंदर बाबर आजम को लग चलिए कि आगे T20 वर्ल्ड कप ही आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप के आने से कबल बाबर आजम की फॉर्म T20 वापस आ चुकी है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान के पास बाबर आजम है और जो दुनिया के नंबर दूसरे पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन 2024 के अंदर वो है मोहम्मद रिजवान, उसके बाद है फखर जमान और ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और तीनों खिलाड़ी T20 फॉर्मेट के अंदर लाठी चार्ज करने के माहिर हैं। चाहे इनके सामने कोई भी टीम हो, कोई बॉलर हो, कोई भी ग्राउंड हो, T20 फॉर्मेट के अंदर चाहे पावर प्ले हो चाहे बाकी ओवर हो, हर ओवर के अंदर औसतन बड़े अच्छे रन बनाते हैं। भारतीय मीडिया कहना है कि ऐसे चलता रहा तो आगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हर बॉलर को टाइम टाइम देंगे, क्योंकि उसकी बड़ी वजह बाबर आजम कप्तानी, क्योंकि पहले बाबर आजम कैप्टनसी के प्रेशर में खेलते थे, लेकिन जब से बाबर आजम कैप्टनसी ली गई है उसके बाद से बाबर आजम की परफॉर्मेंस डब 200 हो गई है, क्योंकि पहले बाबर आजम पर टीम की जिम्मेदारी थी, लेकिन जस्ट अभी बाबर आजम रन के खेलते हैं, इतने रन मारते हैं कि उनकी वजह से टीम कभी भी नहीं हारती। 2024 के अंदर अगर किसी भी मैच के अंदर पाकिस्तान टीम ने या PSL के अंदर किसी भी टीम ने कोई स्कोर नहीं बनाया, लेकिन उस मैच के अंदर भी बाबर आजम 50 स्कोर दूर
जरूर बनाया है, चाहे कोई भी तगड़ा बॉलर हो। लेकिन विक्रांत गुप्ता कहने के बाबर आलम के बल्ले से रन निकलना पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी दुनिया तैयारी करती है और ये तैयारी करने के बाद देखती है किस प्लेयर में कौन सी कमजोरी है। लेकिन बाबर आलम की कमजोरी दूर हो गई क्योंकि वो T20 फॉर्मेट रन बना रहे हैं और यही खतरा है सबसे बड़ा बाकी दीगर टीमों के लिए। रिजवान ने तब ट्वीट किया था कि यह गजा में हमारे साथी भाइयों और बहनों के लिए था। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप का लोगों को इंतजार है और देखना होगा कि इसमें बाबर आजम क्या PSL जैसी परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएंगे। वैसे हो तूफानी फॉर्म में और लगाए एक के बाद एक खूबसूरत चौके और कुछ जबरदस्त छक्के भी, तो 200 ग्रीन कैप भी आ गई इस PSL के इस सीजन में, टॉप बैटर हो गए हैं, होना ही चाहिए यार। क्या आज कमाल की बैटिंग की है बाबर आजम ने, दिल जीत लिया। 16 ओवर के बाद लंबे लंबे छक्के मारना या मसल्स के दम पे गेंद को बाउंड्री के या स्टेडियम के बाहर पार करा देना आज के क्रिकेट में बहुत आम सी बात है, लेकिन 15 ओवर के बाद गेम में टाइमिंग के साथ चौके मारना कभी वायलेंट नहीं लगता। बाबर आजम की बैटिंग जो है कभी वायलेंट नहीं लगती, हिंसक नहीं लगती, मारकाट चल रही ऐसा नहीं लगता, नफासत, मेरी उर्दू खराब है, क्या कहें उसको, सलीका, ओहो वो तकल्लुफ़, क्या मतलब बॉलर को भी लगता है कि ये मार रहा है कि सहला रहा है, लेकिन जब बॉलर समझता है तब तक ओवर में 22-23 रन पड़ चुके होते हैं। ऐसे ही करते रहे, वो अंदर से ये बात जानते हैं कि ही इज अ स्पेशल प्लेयर, वो बहुत कमाल का प्लेयर है, इस बात में कोई शक नहीं है। अरे भाई, जिस खिलाड़ी की तारीफ खुद विराट कोहली करते हो, जिस खिलाड़ी की तारीफ जो है खुद विवियन रिचर्ड्स करते हो, क्या कहना फिर उसका। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में कोहली के सामने विराट चैलेंज खड़ा कर दिया है। दरअसल बाबर T20 में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज है। गेल 22 शतक के साथ टॉप पर है तो बाबर आजम का ये 11वां शतक रहा। बाबर आजम ने नंबर 3 पर संयुक्त रूप से काबिज क्लिंगर, विराट, वार्नर और फिंच से अपनी दूरी और बना ली है। इन चारों के ही T20 में 8-8 शतक है। जाहिर है कि अब जब बड़ी तादाद में कोहली और बाबर के फैंस आपस में भिड़े रहते हैं तो अब कोहली को इस मामले में बाबर आजम के पीछे छोड़ना एक बड़ा चैलेंज हो चला है। अब IPL शुरू होगा तो बाबर का ये सवाल विराट का पीछा कर रहा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। इसके साथ ही बाबर ने चिढ़ाने वाले फैंस की भी जबान बंद कर दी है जो उन्हें धीरे खेलने के लिए ट्रोल किया करते थे। हम भी बाबर की उनकी तूफानी पारी के लिए उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वो आगे भी अपना यही लाए